हेलो दोस्तों, तो एक और वैकेंसी में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम फिर से एक नया अपडेट के साथ आप लोग के बीच आ चुके हैं, एक नया वैकेंसी लेकर के जो अभी पेपर में ही है, बस बहुत जल्दी आपको देखने को भी मिलेगा। तो दोस्तों, अभी डिस्प्ले पे जो शो हो रहा है कि सेतु निगम में डायरेक्ट भर्ती, तो इससे रिलेटेड अभी हम सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। तो दोस्तों, आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ के रह सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको टेलीग्राम पर सर्च मार सकते हैं। टेलीग्राम पे अगर आप सर्च मारते हैं मधुबनी स्टडी सेंटर, मधुबनी स्टडी सेंटर के नाम से, मधुबनी स्टडी सेंटर के नाम से आपको टेलीग्राम का जो है लिंक मिल जाएगा। वहां से आप लोग ज्वाइन होकर के रहिए, आपको हर एक अपडेट पीडीएफ फाइल जो भी होगा वो आपको अपडेट यहां से दिया जाएगा। तो दोस्तों, हम बढ़ देंगे आज की वैकेंसी की ओर, और एक पेपर कटिंग के माध्यम से ये वैकेंसी का हम अपडेट आप लोग को दे रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें जो भी क्राइटेरिया है कि कितना पोस्ट है, इसका जो है कब से क्या होने वाला, ये सारा चीज उसमें जो है मेंशन है। तो जो भी मेंशन है वो हम अभी आप लोग के बीच डिस्कस करेंगे। तो डिस्प्ले पर अभी शो हो रहा है कि सेतु निगम डायरेक्ट वैकेंसी है, डायरेक्ट इसमें भर्ती होने वाला है 2024 में। तो दोस्तों, क्या कौन सा पोस्ट रहने वाला है? तो पोस्ट यहाँ पे अभी दर्शा दिए हैं कि एई का पोस्ट है, असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट है, जो कि आपको डायरेक्ट इंटरव्यू, डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे जो है इसको ज्वाइन करवाया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्या है? तो असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट है तो बीटेक तो कंपलसरी होना चाहिए। बीटेक के साथ क्या है ये भी डिस्कस करेंगे। बीटेक के साथ इसमें जो क्राइटेरिया है, गेट मांग दिया, क्या मांग दिया, ये सारा चीज अभी हम पेपर कटिंग के माध्यम से आप लोग को शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखिए, समझ में ज्यादा आएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। टेलीग्राम से ज्वाइन होकर के रहिए, हर एक अपडेट आपको इस चैनल के थ्रू मिलता रहेगा। तो बढ़ते आगे पेपर कटिंग के माध्यम से और दिखाते हैं आप लोग को आज का जो वैकेंसी है वो कहाँ से और किन के लिए है। तो ये सबसे पहले आप जान लीजिए कि यूपी का ये वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है ये इसमें जो है पेपर में डाले हुआ है कि सेतु निगम में गेट मेरिट पर सीधी भर्ती होगी। तो गेट अगर क्वालिफाई है, बीटेक आपका है, बीटेक के साथ अगर आप गेट क्वालिफाई किए हैं, गेट अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप इसमें जो है एलिजिबल होंगे, आपका सिलेक्शन इसमें जरूर होगा। तो इसमें हम बढ़ते हैं और देखते हैं, हेमंत श्रीवास्तव जी हैं लखनऊ, यूपी लखनऊ, बीटेक डिग्री धारी व गेट ग्रेजुएट टेस्ट इन इंजीनियरिंग पास युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड ने में अब निगम में गेट मेरिट के आधार पर युवाओं को सीधी सहायक अभियंता के पद पर भर्ती किया जाएगा। तो सहायक अभियंता के पोस्ट पे, मतलब असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट पे डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, डायरेक्ट वैकेंसी इसमें देखने को मिल रहा है। इस भर्ती के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, तो इसमें जो है एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम इसमें नहीं होने वाला है। अधिक से अधिक साक्षात्कार मात्र लिया जाएगा, मतलब जो है इसमें जो है आपको बहुत ज्यादा होगा तो इंटरव्यू, इंटरव्यू के बेस पे जो है ये वैकेंसी क्लियर होगा। इस आशय का फैसला सेतु निगम बोर्ड बैठक में शुक्रवार को लिया गया है। तो ये फैसला ले भी लिया गया है, पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव अजय चौहान की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी, जिसमें बोर्ड में शामिल एमडी सेतु निगम के साथ ही तमाम सदस्य उपस्थित थे। बोर्ड के इस फैसले से अब निगम में, बोर्ड का जो इस फैसला हुआ इससे अब निगम में इंजीनियरों के रिक्त पद को जल्द से जल्द भरा जा सकेगा। बताया जाता है
निगम में एई सिविल के स्वीकृति पद 185 थे है, तो 185 पद जो है इसमें स्वीकृत है। दूसरी बात, जिसके मुकाबले कुल 84 पद ही भरे हुए हैं, तो इसमें से 84 पद जो है भरा हुआ है, भरा है, बाकी आपको 101 पोस्ट खाली है, 101 पोस्ट अभी इसमें खाली देखने को मिल रहा है, तो पद ही भरे हुए हैं। इस हिसाब से सहायक अभियंता सिविल के 101 पद रिक्त पड़े हैं। इसी प्रकार सहायक अभियंता यांत्रिक के 56 पद स्वीकृति पदों के मुकाबले कुल 27 पद भरे हैं। तो इसमें यांत्रिक इलेक्ट्रिकल का भी पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल का भी जो है टोटल स्वीकृति पद जो है 56 है, 56 में जो है 27 इसमें आपको भरा हुआ है, ये पद भरा हुआ है, बाकी पद जो है बचेगा वो खाली। तो 9 इधर, मतलब 29 पद अभी भी इसमें इलेक्ट्रिकल का खाली है। तो सिविल में 101 पद हो गया और इलेक्ट्रिकल में टोटल 29 पद अभी खाली है। तो ये था आज का पेपर कटिंग। और इसमें यह भी बताया गया है कि सेतु निगम कर्मियों के डीए में 8% का बढ़ोतरी होगा। तो सेतु निगम के जो कर्मी है जो अभी जॉब कर रहे हैं उनके डीए में जो है 8% का बढ़ोतरी किया जाएगा। बोर्ड ने सेतु निगम के नियमित कर्मियों को महंगाई भत्ते भी 2 किस्तों बढ़ाने में प्रस्ताव को भी स्वीकृति दिया गया है। अब सभी कर्मियों की महंगाई भत्ते में 8% का इफाजा हो जाएगा। बड़े महंगाई भत्ते से 4% वृद्धि का लाभ जुलाई 23 से तथा 4% वृद्धि का लाभ जनवरी 2024 से कर्मियों को मिलेगा। महंगाई भत्ता वृद्धि का लाभ करीब 700 कर्मियों को मिलेगा। तो ये लाभ जो 700 कर्मी को मिलेगा, ये वैकेंसी बीटेक लेवल का है जिसमें गेट के आधार पर मेरिट पे जो है इसमें डायरेक्ट वैकेंसी को क्लियर करवाया जाएगा। इसमें सिविल का 101 पोस्ट खाली है और इलेक्ट्रिकल का जो है 29 पोस्ट खाली है। तो आप लोग जो है ये वैकेंसी बता दिए कहाँ से आ रहा है, तो यूपी से ये वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये था आज का अपडेट। तो इसी प्रकार का नया नया अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।